हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूं और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे 29 नवंबर को यानी 29 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जो स्टॉक है उनके बारे में अगर इंट्राडे लेवल्स आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कल का जो दिन है वो एक एक्सपायरी का दिन है, जहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर और ऑप्शन की। तो हम ये भी देखेंगे कि कल का एक्सपायरी कौन सा लेवल पे हो सकता है। तो कल का मार्केट देखने के पहले हम लोग देखेंगे, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि जो भी लोग हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ये चैनल पे ऊपर हम लोग एजुकेशनल वीडियोस डेली व्यू और वीकली व्यू लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये आज का कैंडल है। तो ये थोड़ा मैं बड़ा करता हूं। तो ये यहाँ पे देखिए कि जो आज का कैंडल है यहाँ पे, ये जो मैं कल लेवल बताया था आपको 10,739 कि यहाँ पे निफ्टी जाने को बहुत स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक बार निफ्टी गया भी था लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर वहां उधर आ गया है, तो वहां पे एक रिसेशन क्लियरली दिख रहा है निफ्टी को। और जैसे कि कल एक्सपायरी है तो ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है। अभी जो नयर का जो एरिया है ये जो हाई है यहाँ पे या फिर ये जो मैंने रेड कलर का जो लाइन डाला है 739 का, वहां पे कल भी निफ्टी स्ट्रगल कर सकता है। तो मैं कुछ ऊपर के लेवल भी लगा लेता हूं। और जो आज का भी एक हाई बनाया था निफ्टी ने, तो ये सब रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी को, लेकिन मेन रेजिस्टेंस है 10,739 के ऊपर जाने के लिए भी निफ्टी स्ट्रगल करेगा। इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस रहेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो इंट्राडे में आज कैसे मूवमेंट हुआ वो पहले देखेंगे। तो आज देखिए निफ्टी एक गैप अप में खुला था और यहाँ पे उसने हाई पे सस्टेन किया और जो लेवल है यहाँ से ऊपर गया और फर्स्ट एटम में इसने 10,739 को ब्रेक नहीं किया, वापस सेम लेवल पे ऊपर सपोर्ट लेके उसने यहाँ पे टच किया। तो यहाँ पे भी एक इंट्राडे आपको मूवमेंट मिल जाता था। 10,739 जो यहाँ उसने यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए जब भी उधर गया उधर उसने लोअर हाइज बनाए और नीचे आके यहाँ पे 10,722 के ऊपर उसने सपोर्ट लिया है। तो कल के लिए अगर आपको निफ्टी में बाय करना है तो यही लेवल रहेगा 10,739 जो है उसके ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हैं। और 10,760 के ऊपर अगर आपको एक कंफर्म बाइंग चाहिए तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। इंट्राडे जब भी ये 10,739 जाएगा तो उसको रेसिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर निफ्टी को अगर आपको शॉर्ट करना है तो जहाँ से ये ओपन हुआ था 10,709 के नीचे आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे वाले टारगेट आ सकते हैं। और कल जो एक्सपायरी है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा कल एक्सपायरी, इसलिए हम लोग ऑप्शन चेन भी देखते हैं। तो कल एक्सपायरी है तो हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे। तो ऑप्शन चेन में हम लोग कहाँ पे पोजीशन ज़्यादा बनाए वो देखेंगे। जैसे कि आज का जो इन द मनी था 10,700 इन द मनी है तो उसके ऊपर 10,800 की यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है 10,800 के यहाँ पे और उसमें ये पोजीशन ऐड भी हुआ है। तो 10,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है और उसके बाद हम लोग सपोर्ट भी देखेंगे। तो सपोर्ट जो है कि ये 10,700 के बाद दूसरा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा है 10,600 के ऊपर, लेकिन देखिए कि 10,600 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हुआ है यानी यहाँ पे कुछ पोजीशन जो है कि क्लोज किए हुए हैं। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि 10,700 के इधर ज़्यादा सपोर्ट ले सकते हैं और 10,800 ही रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 10,700 और 10,800 के बीच में एक्सपायरी हो सकता है, ये हम लोग डेटा के ऊपर देख के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कि इसके बीच में ही होना चाहिए।
तो ये जो पोजीशन रहते हैं हेज फंड के, तो इसमें होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। बट हम लोग ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि ऐसे ही होगा, उसके ऊपर आप पोजीशन ले लो। ये हमारा एक प्रेडिक्शन रहता है, एक हमारा स्टडी है, तो ये स्टडी एकदम करेक्ट होना चाहिए ऐसा नहीं है। एक हम लोग कल देखते हैं कि इसके बीच में एक्सपायरी होता है कि नहीं होता है, उसका देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी। तो चलिए चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी देखो तो आज थोड़ा प्रेशर में, और ये भी ऊपर जो शैडो बनाया है और नेगेटिव क्लोज दिया है। और जैसे कि इसके लेवल, अगर कल आपको बैंक निफ्टी बाय करना चाहिए तो 26494 के ऊपर आप कर सकते हो। और भी हम लोग इंट्राडे के चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। तो जो है कि इंट्राडे का जो चार्ट है यहाँ पे देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी वापस ऊपर ट्राई किया था जाने का। सेम लेवल पे यहाँ पे आपको एक बार बाइंग मिल जाता था, क्योंकि यहाँ पे सामने उसने टारगेट दिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो लेवल उसने मेंटेन किया था 26494 का, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोज हो गया। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, आपको शॉर्ट करना है तो 26380 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, और कल एक्सपायरी है तो फ्यूचर ऑप्शन का जो भी पोजीशन रहेगा वो संभल के करना है। अभी मैं उन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिन स्टॉक के बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो मैंने जब कल स्टडी किया था, तो मैं जैसे कि रिलायंस के बारे में बात किया था, तो मैंने रिलायंस जो आपको रिकमेंड किया था शायद ए लेवल के ऊपर 1129 1140 का भी उसने टारगेट किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। कि मैंने रिलायंस का आपको एनालिसिस भी करके बताया था कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है, और जो कल का जो कैंडल था उसने मोमेंटम दिखाया था कि मोमेंटम आया है, और उसके ऊपर ही आपने बाय किया तो अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मैंने भी इसमें ट्रेड किया था, तो ऐसा है कि एक बार मोमेंट आए तो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड जो मैंने कल बात किया था टीसीएस का, तो इसमें भी जो एक लेवल था ए लेवल, यहाँ पे मोमेंटम आया था सपोर्ट से, और ये कैंडल है जो आज का, देखिए आप कितना अच्छा मोमेंटम दिया है उसने। उसके बाद मैंने टाइटन का बात किया था, टाइटन मैंने दो दिन पहले भी दिया था आपको बाइंग के लिए, लेकिन जो कि उसका कल मूवमेंट इधर मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैंने बताया था कि जब भी 919 के ऊपर जाता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। तो इंट्राडे में इसका जो मोमेंटम था उसका आपको बेनिफिट मिला होगा, बहुत अच्छा यहाँ पे मॉर्निंग में प्रॉफिट हो सकता था, बहुत ही अच्छा उसने मोमेंटम दिया। जैसे मैंने बताया था कि लेवल्स उस दिन नहीं दिया तो नेक्स्ट डे अगर लेवल वर्क होते तो आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है कि मैंने बताया था कि ये भी मोमेंटम आया था, और जो कल मैंने बताया था कि कल का जो कैंडल है उसने ये जो लेवल्स है यहाँ से इसको ये ब्रेक किया था, तो आज भी मूवमेंट आने का पॉसिबिलिटी था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था, और ये अच्छा वर्क भी हो गया। और दूसरा जो स्टॉक है JSW स्टील, तो JSW स्टील के बारे में मैंने बताया था कि, लेकिन वो जो लेवल है उसका आया ही नहीं, 316 के ऊपर वो गया ही नहीं, लेकिन कभी वापस उसके ऊपर जाता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। अभी मेरे तरफ से मैं कुछ स्टॉक के बारे में बताता हूँ। मोस्टली जो कल के जो स्टॉक थे उसमें जो रिलायंस और TCS, उसमें मूवमेंट कल थोड़ा बहुत आ सकता है, और कुछ स्टॉक है जैसे कि थोड़े वीक हो गए, जैसे कि यहाँ पे L&T है, ये थोड़ा वीक चल रहा है, तो अगर आपको इसमें शॉर्ट जाना है तो कल 1398 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। और दूसरा जो स्टॉक है येस बैंक, तो येस बैंक के बारे में मैं बात करूंगा कि जैसा मेरे को वीकली व्यू में भी येस बैंक के बारे में बहुत सारे पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल आएगा तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल आया ही नहीं, और जो सपोर्ट था आज उसने अच्छी तरह ब्रेक किया है, तो इसमें एक शॉर्ट का पोजिशन बन सकता है। आप उसको कल 160 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, और एक 10 पॉइंट्स का डाउनफॉल अभी उसमें बचा है, तो लेकिन ये लेवल आएगा तो ही आप उसको शॉर्ट करो, इसमें बहुत वॉलेटिलिटी अभी आ गया है। तो एक भी स्टॉक है जो मैं कल के लिए थोड़ा रिकमेंड करता हूँ। और ये जो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कमेंट भी देते रहिए कि आपको कौन से
और वीडियोस देखने हैं। अगर मेरे साथ के आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे यहाँ पे थाना में INI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आके मेरे साथ सीख सकते हैं। इसके डिटेल मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हैं। और जिनको हमारा सैटरडे को होने वाला जो फ्री ट्रेनिंग है 2 घंटे का, वो भी अटेंड करना है, तो जो नजदीक रह रहे वो हमारा सेमिनार जो है वो अटेंड कर सकते हो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।